मान मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और आज मैं लेकर आई हूं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11th केमिस्ट्री और इसी के साथ शुभारंभ करेंगे हम क्लास 11th केमिस्ट्री का मैं हूं रोशनी फ्रॉम लर्नो हब द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com तो क्या सभी तैयार हैं लेट्स गेट स्टार्टेड क्या पढ़ने वाले हैं आज हम इस लेसन के अंदर वो कहते हैं ना जिस तरह से जब हम उड़ने वाले होते हैं उससे पहले यू नो सीट बेल्ट वगैरह पहन के बिल्कुल तैयार हो जाते हैं ठीक उसी तरह से केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आज हम तैयार होने वाले हैं विथ ऑल द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री इसीलिए बताने की जरूरत नहीं है कि दिस लेसन इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें हम बेसिक्स कवर करेंगे ठीक है ना तो बेसिक्स कहाँ से शुरू होगा बिल्कुल बेस से वॉट इज केमिस्ट्री केमिस्ट्री क्या है साइंस ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशंस मतलब कुछ यूँ समझ लो कि केमिस्ट्री जब हम पढ़ेंगे ना तो कोई भी सामान अगर ये बॉटल है मेरे हाथ में तो हम इसे उस नज़रिए से देखेंगे कि इसके अंदर क्या है ये मैटर है इसके अंदर मॉलिक्यूल्स है उसके अंदर एटम्स हैं तो हम हर चीज़ को एटम्स मॉलिक्यूल्स वाले नज़रिए से देखेंगे और उनके ट्रांसफॉर्मेशंस पे फोकस करेंगे बाप कहोगे कि ट्रांसफॉर्मेशन बोले तो जैसे मान लो आ, मैं कहती हूं कि जैसे डायमंड कैसे बनता है कोल से बनता है जब हम उसे हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे सालों साल तक छोड़ देते हैं तो डायमंड बन जाता है तो होता क्या है अंदर क्या ऐसा मैजिक होता है हम तो बाहर से कोई सामान नहीं डालते तो यानी कि उनके जो अंदर के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं जो एटम्स मॉलिक्यूल्स हैं उन्हीं में कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं जिसकी वजह से हमें डायमंड मिलता है इतना ही नहीं अगर पानी में मैं थोड़ा सा डिटर्जेंट डाल देती हूँ वो मेरे कपड़ों की सारी गंदगी निकाल देता है यार और कपड़े साफ़ कर देता है कैसे क्या मैजिक होता है वहाँ पर भी कुछ रिएक्शंस होते हैं जिसके वजह से और वो रिएक्शंस किसके बीच में होते हैं एटम्स और जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनके बीच में होते हैं राइट right? हम जितनी चीज़ें देखते हैं आसपास चाहे वो फैब्रिक हो जिसके हमारे कपड़े बनते हैं या फिर मेडिसिन हो जो हमारे लिए बहुत यूजफुल है या फिर प्लास्टिक्स जिसे हम बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं इन आ डे टू डे लाइफ ये सभी चीज़ें जो बनती हैं कैसे बनती हैं कुछ ना कुछ रिएक्शन से बनती हैं जहाँ पर एटम्स मॉलिक्यूल्स ये सारे कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस अंडर करते हैं और केमिस्ट्री में हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं तो हमारी कहानी की शुरुआत कहां से होगी वही मैटर से होगी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वॉट इज मैटर एनी थिंग मैटर बॉटल को ले लो मास है हां कुछ तो मास है स्पेस भी हां भाई इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है तो मैटर है बचपन से हम ये भी पढ़ते आ रहे हैं कि मैटर के तीन स्टेट्स हैं: सॉलिड लिक्विड गैस ठीक है solid, liquid, gas, सॉलिड की बात करें तो उसमें क्या होता है कि जो उसके पार्टिकल्स होते हैं जो उसके कॉन्स्टिटूंट पार्टिकल्स होते हैं वो बिल्कुल एकदम क्लोजली पैक्ड होते हैं यूँ समझ लो एक बॉक्स के अंदर आपने बॉल्स रखे हुए हैं बहुत सारे और उन सबको बिल्कुल ऐसे फिट किया हुआ है कि बिल्कुल जगह नहीं है कोई हिल नहीं सकता है तो अगर आप एक बिल्कुल भीड़ भीड़ वाली बस के अंदर चढ़े हो जहाँ पर बैठना तो दूर की बात है लिटरली खड़े होने की भी जगह नहीं है तो कैसी हालत होती है आपकी आप हिल भी नहीं पाते हो सो so, वैसी ही हालत होती है सॉलिड के अंदर के पार्टिकल्स की दे आर वेरी क्लोजली पैक्ड दे आर नॉट फ्री टू मूव वो मूव नहीं कर पाते हैं वही अगर हम लिक्विड की बात करें तो वहां पर क्या है कि आप समझ लो कि उसी डब्बे से आपने दो तीन बॉल्स हटा दिए तो क्या होगा अब जो बाकी के बॉल्स हैं उनके पास थोड़ा जगह होगा यार चलो ठीक है थोड़ा मूव कर सकते हैं यानी कि आप जिस बस में चढ़े हो वहां पर बैठने की जगह तो नहीं है बट एटलीस्ट आराम से खड़े हो पा रहे हो मतलब तो लोग थोड़े दूर दूर खड़े हैं तो थोड़ा बहुत हिल पा रहे हो तो ये हालत है लिक्विड की और अगर हम गैस की बात करें तो वहाँ पर ऐसा है कि यार आप बिल्कुल खाली बस में चढ़े हो जहाँ पर बैठने की जगह ही नहीं बल्कि बहुत सारी खाली जगह भी पड़ी हुई हैं तो लोग जो है आराम से लेट के भी जा सकते हैं तो गैस के केस में जो पार्टिकल्स हैं दे आर फ्री टू मूव आराम से बिंदास मूव कर सकते हैं ठीक है अगर हम बात करें सॉलिड की यानी कि अभी फिलहाल मेरे हाथ में बॉटल है तो हर जगह बॉटल का एग्जाम्पल आ रहा है तो बॉटल की अगर बात करें यानी कि सॉलिड की अगर बात करें तो इनका एक फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम है देखो शेप भी फिक्स्ड है वॉल्यूम भी फिक्स्ड है भाई इतना ही इसमें अट सकता है सामान है ना वहीं जैसे लिक्विड पे पहुंच जाएंगे इसके अंदर जो पानी है अगर उसकी बात करें जो कि लिक्विड है तो इसका एक फिक्स्ड वॉल्यूम तो है लेटर सपोज अगर मैं कहूँ कि यार मेरे पास अभी लगभग लेट से हंड्रेड एम पानी है या ठीक है तो वो वॉल्यूम तो फिक्स ही है अब इसे मैं किसी और कंटेनर में भी ट्रांसफर कर दूं तो मेरा वॉल्यूम ऑफ वाटर उतना ही रहेगा लेकिन जो इसका शेप है फिलहाल ये इस बॉटल के अंदर है तो इसने बॉटल का शेप ले लिया है इसे मैं ग्लास में डाल दूंगी तो ये ग्लास का शेप ले लेगा इसे मैं किसी कटोरी में डाल दूंगी उसका शेप ले लेगा तो यानी कि लिक्विड्स के, के केस में दे हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट अ फिक्स्ड शेप और वहीं अगर हम चले जाएं गैसेस की तरफ तो गैस को आप विजुलाइज कर सकते हो लेट्स से अगरबत्ती इंसेंसटिक उसका जो धुआं निकलता है उसको ऑब्जर्व किया ही होगा कभी ना कभी तो आप देखोगे कि उसका कोई फिक्स्ड शेप भी नहीं होता है वो कैसे भी मूव करता है और उसकी कोई फिक्स्ड वॉल्यूम भी नहीं होती है तो गैसेस के केस में दे नीदर हैव अ फिक्स्ड शेप नॉर अ फिक्स्ड वॉल्यूम अब ये जो तीनों स्टेट्स हैं सॉलिड लिक्विड और गैस इनके बारे में एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात है और वो है ये यानी कि दे आर इंटर कन्वर्टिबल इंटर कन्वर्टेबल मतलब क्या हुआ कन्वर्टेबल मतलब इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं इंटर मतलब आपस में यानी कि इन्हें हम आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं. सॉलिड को लिक्विड में लिक्विड को गैस में गैस को सॉलिड में मतलब इस तरह से हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं ठीक है चलो देखते हैं कैसे तो सबसे पहले बात करते हैं कि यार मैंने कहा कि मुझे ना सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना है पॉसिबल है क्या बिल्कुल पॉसिबल है ये तो आप रोज अपने घर पे देखते हो सॉलिड में एग्जाम्पल ले लो आइस का आइस सॉलिड है है ना जब भी आप आइस को फ्रीजर से निकाल के बाहर छोड़ देते हो थोड़ी देर क्या होने लगता है आइस मेल्ट होने लगता है और क्या बन जाता है वाटर जो कि लिक्विड है तो यानी कि सॉलिड से लिक्विड आप आराम से जा सकते हो और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं मेल्टिंग ठीक है नहीं लिक्विड कुछ पसंद नहीं आ रहा है लिक्विड को वेपर में चेंज कर सकते हैं क्या गैस में चेंज कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं अब जो पानी है उसे एक पतीले में डालो और गर्म कर दो क्या होगा वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे वेपोराइजेशन वेपर में मजा नहीं आ रहा है क्या हम वेपर से वापस सॉलिड में आ सकते हैं वो भी आ सकते हैं और उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिपोजिशन तो ये शायद नाम आपने बहुत ज़्यादा ना सुना हो तो डिपोजिशन में क्या होता है कि वाटर वेपर जो है वो डिरेक्टली आइस में कन्वर्ट हो जाता है इसका बेस्ट एग्जाम्पल है फ्रॉस्ट फ्रॉस्ट वर्ड तो सुना ही होगा ये जो फिनल है ना ये आपको जहाँ पर बहुत एकदम फ्रीजिंग कोल्ड होती है ना जिन जगहों में वहाँ पर देखने को मिलती है वहाँ पे आप अक्सर देखोगे कि लीफ के ऊपर पत्तों के ऊपर ना ऐसे आइस की पतली सी लेयर होती है कई बार विंडो पेंस पे आपको पतली सी आइस की लेयर दिखती है तो क्यों होता है ऐसा क्योंकि रूम के अंदर का जो एयर होता है ना वो वार्म होता है मॉइस्ट होता है जब ये वार्म एयर वो फ्रीजिंग कोल्ड विंडो पेन्स के कॉन्टैक्ट में आता है तो जो सराउंडिंग वाटर वेपर है ना वो कन्वर्ट हो जाता है आइस में तो डायरेक्टली वेपर से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है और वही हमें विंडो पेन्स के ऊपर फ्रॉस्ट की तरह दिखता है ठीक है चलो ठीक है ये तो हमने देख लिया कि भाई सॉलिड से लिक्विड लिक्विड से गैस और गैस से वापस सॉलिड ये सारे कन्वर्जनस पॉसिबल हैं अब उल्टा घूमे क्या यानी कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम सॉलिड से सीधा गैस पे चले जाएं ऐसा हो सकता है बिल्कुल हो सकता है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं सबलीमेशन इसका एग्जाम्पल है नैपथलीन बॉल्स देखा होगा आपने घर पे हम अक्सर इसे यूज करते हैं जैसे जहां पर भी मतलब कपड़े वगैरह स्टोर करते हैं ना वहां पर हम नैप्थलीन बॉल्स छोड़ देते हैं ताकि वहां पे कीड़े वगैरह ना आए तो नैपथलीन बॉल्स अगर आपने कभी ध्यान दिया हो आप देखोगे कि वो सॉलिड होता है और एक टेम्परेचर के बाद क्या होता है कि वो डायरेक्टली सॉलिड से वेपोराइज़ हो जाता है वो लिक्विड स्टेट में जाता ही नहीं है तो ये एग्जांपल है सब्लिमेशन का ठीक है चलो बढ़िया अब अगला सवाल कि गैस से लिक्विड ये तो बहुत आसान सा है गैस से लिक्विड वाटर वेपर से वाटर बारिश वही तो होता है क्लाउड क्या है गैसीयस फॉर्म में और बारिश किस फॉर्म में है लिक्विड में तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं कंडेंसेशन ठीक है और फाइनली लिक्विड टू सॉलिड ये तो बहुत ही आसान है पानी लिया फ्रीजर में डाला बन गया आइस तो मतलब लिक्विड टू सॉलिड का जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं फ्रीजिंग तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये जो तीनों स्टेट है ये आपस में एक से दूसरे में वो कन्वर्ट हो सकते हैं इसीलिए हम इन्हें कहते हैं इंटरकन्वर्टेबल अब मैटर को देखते हैं मैक्रोस्कोपिक लेवल से मतलब माइक्रोस्कोपिक से नहीं मतलब मैटर के अंदर नहीं घुसेंगे एटम्स मॉलिक्यूल्स में हम ऊपर से देखेंगे मैक्रो मतलब बड़ा ऊपर से अगर हम मैटर को देखें तो मैटर को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर ठीक है प्योर सब्सटेंस क्या होता है प्योर शुद्ध कोई मिलावट नहीं वो प्योर सब्सटेंस है तो प्योर सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जिनका एक फिक्स्ड कॉम्पोजिशन होता है फिक्स्ड कॉम्पोजिशन ध्यान रखना है जैसे मान लो एग्जाम्पल लेते हैं लेट्स से गोल्ड का गोल्ड क्या है प्योर है क्यों क्योंकि गोल्ड के अंदर सिर्फ गोल्ड ही है कुछ और नहीं है अब अगर आपका सुनहार उसमें कुछ मिलावट कर रहा है तो मुझे पता नहीं बट अदरवाइज जैसे गोल्ड है सिल्वर है कॉपर है ये क्या है ये प्योर है मतलब इनके अंदर सिर्फ वही एक ही तरह के पार्टिकल से वो बने हुए हैं अब इसका ये मतलब नहीं है कि प्योर सब्सटेंस सिर्फ ऐसी ही चीज़ें होंगी जिसमें एक ही तरह का पार्टिकल हो जैसे एग्जाम्पल लेते हैं पानी का वाटर वाटर क्या होता है एच वाटर हालांकि दो डिफरेंट चीजों से बना है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो कॉम्पोजिशन है वाटर में वो फिक्स है हमेशा टू इज वन के रेशियो में ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो कंबाइन होकर वाटर बनाएगा तो यानी कि कॉम्पोजिशन फिक्सड है ठीक है ना तो ये भी मेरा प्योर सब्सटेंस है ठीक है अब प्योर सब्सटेंस को हम फर्दर दो कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं पहला हो जाएगा एलिमेंट्स और दूसरा हो जाएगा कंपाउंड्स एलिमेंट्स क्या होते हैं वो प्योर मतलब प्योर मतलब वैसे वाले जिसके अंदर एक ही टाइप के पार्टिकल्स प्रेजेंट हो जैसे कि गोल्ड सिल्वर कॉपर ये सब में क्या होता है ना कि अगर कॉपर है तो उसके अंदर एक ही टाइप उसके अंदर सिर्फ कॉपर पार्टिकल्स ही हैं मतलब ऐसा नहीं कि उसके अंदर कुछ और भी चीज़ें हैं सिर्फ कॉपर एलिमेंट के ही एटम्स हैं ठीक है तो ये होते हैं एलिमेंट्स दूसरी तरफ अगर हम कंपाउंड्स की बात करें तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास दो या दो से अधिक आटम्स होते हैं जो दूसरे दूसरे एलिमेंट्स के होते हैं जैसे कि वाटर वाटर में क्या है हाइड्रोजन एलिमेंट का भी एटम है ऑक्सीजन का भी एटम है राइट दो अलग एलिमेंट्स के एटम्स हैं लेकिन ये जो हैं ये एक फिक्स्ड रेशियो में प्रेजेंट है ठीक है जैसे अगर हम बात करें ग्लूकोज की क्या होता है ग्लूकोज सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स तो यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है तो ये तीन अलग अलग एलिमेंट के आइटम्स बट इनका जो रेशियो है दैट इज़ फिक्स्ड कंपाउंड्स के केस में हम ये देखते हैं कि उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो उसके कॉन्स्टिच्यूएंट एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज से काफ़ी अलग हो सकती हैं मतलब कि जैसे वाटर है वाटर जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है इसका ये मतलब नहीं है कि वाटर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के प्रॉपर्टीज से सिमिलर होंगी जैसे कि आ, हम सभी को पता है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये जो है ये गैशियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और वहीं वाटर की अगर हम बात करें तो वो मोस्टली लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है राइट एक और प्रॉपर्टी की अगर बात करें जैसे हाइड्रोजन है हमें पता है कि इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड राइट मतलब ये बर्न करता है और ऑक्सीजन तो हम सभी को पता है कि इज अ सपोर्टर ऑफ कंबशन है ना तो मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये आग लगाते हैं बेसिकली आग लगाने में को फेवर करते हैं ऐसे समझ लो दूसरी तरफ वाटर क्या करता है आग बुझाता है तो बेसिकली यहाँ तो हम देख रहे हैं कि दोनों के बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग प्रॉपर्टीज है और ऐसा हो सकता है कि कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज हो वो उसके कॉन्स्टिटुएंट एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज से बहुत अलग हो तो अब हम बात करते हैं मिक्सचर की जो मिक्सचर वर्ड है इसको सुन के आपको डे टू डे लाइफ में से क्या याद आता है चाय कॉफी के साथ जो मिक्सचर हम खाते हैं राइट right? उसके अंदर गठिया भी होता है चना भी होता है मूंगफली भी होती है बहुत सारी चीज़ें मिक्स करके बनाई जाती है राइट right? तो मिक्सचर क्या है बेसिकली इट इज़ अ मिक्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस तो ऐसा ही होता है हमारा ये मिक्सचर भी ठीक है तो यहाँ पर अलग अलग सब्सटेंस मिक्स होते हैं इन एनी रेशियो मतलब जिस तरह से प्योर सब्सटेंसेस के केस में फिक्स्ड कॉम्पोजिशन होता था यहाँ पर कोई फिक्स्ड कॉम्पोजिशन नहीं है किसी भी रेशियो में बहुत सारी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं अब जैसे मिक्सचर के वो खाने वाले मिक्सचर के अंदर भी अगर गठिया ज्यादा हो गया कोई बात नहीं मूँगफली थोड़ी कम हो गई कोई बात नहीं तो कोई फिक्स्ड कॉम्पोजिशन नहीं होता है राइट अब मिक्सचर को हम फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं होमोजेनियस मिक्सचर हेट्रोजीनियस मिक्सचर होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है होमो वर्ड का मतलब क्या होता है सेम यूनिफॉर्म तो होमोजेनियस मिक्सचर के अंदर ये जो कंपोनेंट्स हैं जो मिक्स हो रहे हैं वो एक दूसरे के साथ इतने अच्छे तरीके से मिक्स हो जाते हैं कि उस पूरे चीज़ के अंदर उसकी यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन हो जाती है एग्जाम्पल मान लो मैंने नमक लिया सॉल्ट और पानी लिया और पानी के अंदर हमने सॉल्ट को मिक्स कर दिया पानी और सॉल्ट इन दो चीज़ों को हमने मिक्स किया ठीक है दो अलग चीजें हैं जिनको हमने मिक्स किया है लेकिन ये दोनों चीजें एक दूसरे के साथ इतने अच्छे तरीके से मिक्स हो जाते हैं तो हमें क्या मिलता है सॉल्ट सॉल्यूशन मिलता है अब उस सॉल्ट सॉल्यूशन को अगर आप देखो वो आपको एक सिंगल चीज दिखती है उसके अंदर आपको फिर सॉल्ट अलग से और पानी अलग से नहीं दिखता है क्यों क्योंकि वो एकदम अच्छे से मिक्स हो गई है और अब इस ग्लास के अंदर जितना भी सॉल्ट सोल्यूशन है किसी भी पोर्शन में जो कॉम्पोजिशन है वो यूनिफॉर्म है मतलब वो यूनिफॉर्मली मिक्स हो चुका है सॉल्ट उस पानी में राइट right? तो ये है हमारा होमोजीनियस मिक्सचर शुगर सॉल्यूशन ले लो सॉल्ट सॉल्यूशन ले लो वाटर ले लो ये सारे हमारे होमोजीनियस मिक्सचर हैं दूसरी तरफ जो सेकेंड टाइप है वो है हेट्रोजीनियस मिक्सचर मतलब यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन नहीं होता है थ्रू आउट जैसे कि अगर आप मड को वाटर के साथ मिलाओ मड मिट्टी तो क्या होता है थोड़ा बहुत तो मिक्स होता है क्योंकि पानी का आप कलर देखोगे थोड़ा ब्राउनिश हो जाता है बट बहुत सारे मठ पार्टिकल्स आपको अलग से दिखते हैं राइट तो इसका मतलब आपको दोनों चीज़ों के पार्टिकल्स अलग अलग से दिख रहे हैं तो वो यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं हुए हैं जिसकी वजह से उसका जो कॉम्पोजिशन है वो थ्रू आउट यूनिफॉर्म नहीं है कहीं पर मठ ज़्यादा होगा कहीं पर कम होगा राइट वैसा होगा तो इसे हम कहेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल्स हैं उन्हें हम बड़ी आसानी से सेपरेट आउट कर सकते हैं इनफैक्ट कई जगहों में तो हम हैंड पिकिंग से ही सेपरेट कर सकते हैं आपने देखा होगा जैसे घर पे जब भी भी खाना बनता है ना मान लो दाल बनती है या चावल बनती है तो क्या होता है उससे पहले जो है हम अक्सर ही उसको चुनते हैं राइट कि कहीं चावल के अंदर कोई कंकर तो नहीं है दाल के अंदर कंकर तो नहीं है कैसे चुनते हैं हाथ से ही हम पिक कर लेते हैं राइट क्यों क्योंकि वो मिक्स्ड तो है बट दैट इज़ हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्योंकि हमें अलग अलग दिखते हैं पार्टिकल्स राइट right? तो हम चुन के निकाल लेते हैं उसी तरीके से अगर मैं मड वाटर की बात करूँ इसको अगर आप छन्नी में छान लोगे फिल्ट्रेशन से आप आराम से सेपरेट आउट कर सकते हो राइट right? तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर जो कॉम्पोनेंट्स होते हैं उन्हें हम बड़ी ही आसानी से इस तरह के सिंपल फिजिकल मेथड से भी सेपरेट आउट कर सकते अब हम बात करेंगे मैटर के प्रॉपर्टीज़ की तो मैटर के प्रॉपर्टीज़ दो टाइप की होती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं जो हम बड़ी आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं फील कर सकते हैं और मेजर कर सकते हैं तो ये ऑब्जर्वेबल और मेजरेबल होती हैं और इन्हें हम ऑब्ज़र्व और मेजर कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी ऑफ द सब्सटेंस मतलब उस चीज़ को बिल्कुल वैसे ही रहेगा वो चीज़ एज इट इज़ एंड वी विल बी एबल टू टेल अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ठीक है जैसे कि कलर किसी चीज़ के कलर के बारे में बताने के लिए हम उसे बस ऑब्जर्व करेंगे उस वो चीज़ एज इट इज़ रहेगा उसकी स्मेल हम फील कर सकते हैं स्मेल को उस चीज़ को कोई चेंज अंडरगो करने की ज़रूरत नहीं है मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इस तरह की जो चीज़ें प्रॉपर्टीज़ हैं दीज आर ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्योंकि हम इन्हें मेजर कर सकते हैं दूसरी तरफ आता है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ये ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिन्हें बताने के लिए उस सब्सटेंस को एक चेंज अंडरगो करना पड़ता है एक केमिकल चेंज अंडरगो करना पड़ता है जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई एक मैं आपको सामान दे देती हूँ और मैं पूछती हूँ कि बताओ ये इसके एसिडिटी या फिर बेसिकसिटी के बारे में बताओ ये एसिडिक है या बेसिक है ये मैं सिर्फ़ उस चीज़ को देख के नहीं बता सकती राइट तो मुझे उसके ऊपर एक टेस्ट करना पड़ेगा सो द मोमेंट वी डू अ टेस्ट वो जो चीज़ है इट व अंडर गो सम चेंज राइट या अगर मुझे बताना हो कि यार बताओ कि ये जो है ना वाटर से रिएक्ट कैसे करेगा कर, वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाएगा तो इसके लिए मुझे उस समान को वाटर से रिएक्ट कराना पड़ेगा सो so वो जो सामान है इट विल अंडर गो अ चेंज राइट तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऐसी वो वाली प्रॉपर्टीज होती है जिन्हें बताने के लिए उस सब्सटेंस को हैज़ टू अंडर गो अ केमिकल चेंज अब अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इसके अंदर भी दो कैटेगरी होती है एक होती है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी एक होती है क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी क्वालिटेटिव यानी कि इन्हें हम ऑब्जर्व तो कर सकते हैं बट इन्हें हम इजीली मेजर नहीं कर सकते हैं इसलिए उन्हें कहते हैं क्वालिटेटिव एग्जाम्पल जैसे मैलिएबिलिटी कि भाई कोई मेटल कितना मैलिएबल है उसको हम मतलब ऐसे मेजर नहीं कर सकते मतलब एज एन हम उसको उसके मेजरमेंट के लिए कोई नंबर नहीं दे सकते हैं राइट right? या फिर किसी सब्सटेंस में कितना शाइन है लश्चर स्मेल मैलिएबिलिटी डक्टिलिटी ये सारे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं ये क्वालिटीज़ हैं बट इन्हें हम मेजर नहीं कर सकते हैं दूसरी तरफ जो क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं उन्हें हम बहुत ही आसानी से मेजर कर सकते हैं जैसे कि लेंथ कितना लेंथ है हम बता सकते हैं एक एक नंबर के साथ हम वो मेजरमेंट बता सकते हैं या फिर कितना वॉल्यूम है या फिर कितनी हाइट है कितना एरिया है कितनी डेंसिटी है इस तरह की जो चीज़ें हैं इनको हम मेजर कर सकते हैं और मेजरमेंट हम कैसे बताते हैं उसके लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती है एक नंबर चाहिए होता है और एक यूनिट चाहिए होता है यूनिट बहुत ज़रूरी है जैसे मैंने पूछा कि लेट्स से इस बेड का लेंथ कितना है टू सिर्फ टू बताऊंगी तो आपको समझ आएगा कितना है नहीं समझ आएगा राइट टू क्या टू मीटर्स है टू किलोमीटर्स है टू सेंटीमीटर्स है टू मिलीमीटर्स है और जैसे जैसे यूनिट चेंज हो रहा है आपका एक्चुअली वो लेंथ चेंज हो रहा है राइट तो इसीलिए कोई भी मेजरमेंट कोई भी क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी को मेजर करने के लिए हमें एक नंबर चाहिए होता है फॉलोड बाय अ यूनिट अब जहां यूनिट्स की बात आ गई तो वहां पर हमें एक स्टैंडर्डाइज सिस्टम चाहिए कि भाई कौन से क्वांटिटी का कौन सा यूनिट होता है अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा कि मान लो भाई इंडिया में जो है हम लेंथ किसी यूनिट में मेजर करते हैं अमेरिका में कोई और यूनिट में मेजर करते हैं किसी और कंट्री में किसी और यूनिट में मेजर करते हैं तो ऐसे क्या होगा कोई स्टैंडर्ड नहीं रहेगा तो एक जगह से दूसरे जगह का जो मेजरमेंट है बिल्कुल अलग अलग रहेगा सिस्टम तो इसीलिए हमें चाहिए एक इंटरनेशनल लेवल पर एक स्टैंडर्डाइज सिस्टम और यहीं आता है हमारा एस सिस्टम ऑफ यूनिट्स सबने सुना ही होगा एस आई यूनिट के बारे में तो एस SI आई जो वर्ड है ये एक फ्रेंच वर्ड से आया है जिसका फुल फॉर्म है सिस्टम इंटरनेशनल तो ये एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं जिसके अंदर टोटल सेवन बेस यूनिट्स को डिफाइन किया जाता है जो जिसे हम फंडामेंटल यूनिट्स भी कह सकते हैं तो इसके अंदर हमने सेवन बेस क्वांटिटीज डिफाइन किए हैं तो वो क्वांटिटीज कौन कौन से थे लेंथ मास टाइम इलेक्ट्रिक करंट थर्मोडाइनेमिक टेम्परेचर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी और इन क्वांटिटीज की जो एसआई SI यूनिट्स थी उन्हें हम कहते हैं बेस यूनिट्स जो कि हैं मीटर लेंथ के लिए किलोग्राम मास के लिए सेकंड टाइम के लिए एम्पियर करंट के लिए केल्विन टेम्परेचर के लिए मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए और कैंडेला ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए और ये रहे इनके सिंबल्स। इनमें से काफ़ी सारे यूनिट्स तो हमने ऑलरेडी यूज़ कर रखा है जैसे कि किलोग्राम मीटर सेकेंड एम्पियर केल्विन। मोल एक ऐसा यूनिट है जिसे हम अभी इंट्रोड्यूस करेंगे इस लेसन के अंदर तो इसमें अगर हम बात करें मास की तो मास होता क्या है मास होता है द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी मतलब एक सब्सटेंस के अंदर कितना मैटर है वो बताता है मास तो मास का एसआई SI यूनिट होता है केजी यानी की कि किलोग्राम हालांकि Uh, जैसे लेबोरेटरीज में जब हम काम करते हैं तो हम कई बार बहुत छोटे छोटे मासेस के साथ डील करते हैं क्योंकि जैसे देखो तो केमिस्ट्री में तो क्या है ना हम एटम्स मॉलिक्यूल्स लेवल पे बहुत स्टडीज़ करते हैं तो एटम मॉलिक्यूल इन सब का जो साइज़ होता है बहुत छोटा होता है इनका मास भी बहुत कम होता है राइट तो जब हम इतने छोटे छोटे चीज़ों के साथ डील करते हैं तो हम लैब में कई बार ग्राम को जो है उसे एक यूनिट की तरह यूज़ करते हैं हालांकि एस यूनिट जो है दैट इज़ किलोग्राम अब चूंकि हम मास की बात कर रहे हैं तो आई थिंक इट विल बी नाइस कि हम एक बार दोबारा ये याद कर लें कि मास और वेट ये दोनों सेम चीज़ नहीं होती है बहुत से बच्चों को लगता है कि वेट क्या है वही है वजन मास भी वही है तो सेम ही चीज़ है बट ऐसा नहीं है चलो देखते किसी भी सब्सटेंस में जो टोटल अमाउंट ऑफ मैटर होता है उसे हम मास कहते हैं जो कि मैंने अभी बताया लेकिन दूसरी तरफ जब हम वेट की बात करते हैं तो वेट मास नहीं होता है वेट क्या होता है इट इज अ फोर्स तो वेट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग इट इज अ फोर्स एग्जर्टेड बाई ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट तो यानी कि अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास एम है तो उसके ऊपर जितना फोर्स ग्रेविटी लगाता है तो फोर्स हम कैसे निकालते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन और यहां पर एक्सेलरेशन किसकी वजह से है ड्यू टू ग्रेविटी सो मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये होता है वेट ठीक है तो मास ऑफ अ इज कॉन्स्टेंट ये हर जगह सेम रहता है लेकिन जो वेट है इट वेरीज फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर क्यों क्योंकि वेट जो है ये मास पे भी डिपेंड करता है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू पे भी डिपेंड करता है अब अगर हम मून पे चले जाएं, तो मून पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू अलग है तो वहां पर वेट भी किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का अलग हो जाएगा बात करते हैं यूनिट की मास का एस SI आई यूनिट है किलोग्राम यानी कि के और वेट का ऐसा SI ही यूनिट है न्यूटन इनफैक्ट न्यूटन जो है ये फोर्स का ऐसा SI ही यूनिट है और चूंकि वेट एक फोर्स है तो वेट का भी ऐसा SI ही यूनिट न्यूटन है टेम्परेचर की अगर बात करें तो इसे मेजर करने के लिए तीन स्केल्स होते हैं या फिर तीन यूनिट्स होते हैं डिग्री सेल्सियस डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन इन तीनों में से केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर ये रहे टेम्परेचर के तीन स्केल्स दैट इज केल्विन सेल्सियस और फेरनहाइट तो हम वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इसे जो है रेफरेंस मान के चलते हैं तो हम देखते हैं कि सेल्सियस स्केल में जीरो डिग्री सेल्सियस होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर और हंड्रेड डिग्री सेल्सियस होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ठीक है अब ये जो तीनों यूनिट्स हैं टेम्परेचर के, केल्विन सेल्सियस फ़ारेनहाइट इन्हें हम आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं ठीक है तो डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू नाइन बाय फाइव डिग्री सेल्सियस प्लस थर्टी टू होगा यहाँ पर ठीक है तो इसीलिए जब डिग्री सेल्सियस की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू होगी थर्टी टू डिग्री फ़ारेनहाइट तो इसीलिए देखो जो फ़ारेनहाइट का स्केल है उसका थर्टी टू जो है वो सेल्सियस के जीरो के लेवल पर है उसी तरह केल्विन और सेल्सियस का रिलेशन कुछ ऐसा है कि केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस टू सेवेंटी थ्री तो इसीलिए जब जीरो डिग्री सेल्सियस है तो कॉरेस्पॉन्डिंग केल्विन का स्केल में वैल्यू क्या है टू सेवेंटी थ्री केल्विन ठीक है इनफैक्ट आपने देखा होगा कि जब कभी हमें फीवर होता है तो हम घर में थर्मोमीटर यूज करते हैं बॉडी टेम्परेचर देखने के लिए तो जनरली वो कौन से स्केल पे होता है वो फ़ारेनहाइट स्केल पे होता है देखा होगा कि भाई बहुत तेज बुखार हो जब 102 103 बुखार हो जाता है हम कहते हैं बहुत तेज बुखार है तो ये 102 103 क्या है इट इज 102 और 103 डिग्री फेरनहाइट क्योंकि फेरनहाइट स्केल में नाइनटी हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है ठीक है एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर नोट कर सकते हैं कि जो सेल्सियस स्केल है इसमें नेगेटिव वैल्यूज पॉसिबल है टेम्परेचर के क्योंकि जैसे केल्विन का जब 250 या 260 सिक्सटी होगा तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो सेल्सियस वैल्यू होगा दैट विल बी इन नेगेटिव लेकिन जब हम केल्विन स्केल को देखते हैं तो इसमें नेगेटिव वैल्यूज पॉसिबल ही नहीं है केल्विन स्केल में नेगेटिव वैल्यूज नहीं होते हैं केमिस्ट्री में हम बहुत छोटे और बहुत बड़े नंबर्स को हैंडल करते हैं छोटे नंबर्स तब जब हम साइज़ ऑफ एटम साइज़ ऑफ़ मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो हम इस तरह के नंबर्स पे आते हैं जहाँ पर ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो 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 कुछ होता है उसी तरह से कभी कभी हम नंबर ऑफ़ एटम्स और नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं और तब हम डील करते हैं बहुत बड़े बड़े नंबर्स जिसके जिनके बाद में बहुत सारे जीरोज़ होते हैं है ना तो इसीलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं कन्वीनियंस के लिए हम इन्हें लिखते हैं टेन टू द पावर करके जैसे अगर कोई बहुत छोटा नंबर है तो हम लिख देंगे टेन टू द पावर माइनस टेन टेन टू द पावर माइनस ट्वेंटी माइनस थर्टी या कुछ भी उसी तरह बहुत बड़े नंबर्स के लिए टेन टू द पावर ट्वेंटी फ़ाइव टेन टू द पावर थर्टी फाइव एंड सो ऑन तो अब जहाँ पे इतने सारे पावर इन्वॉल्व हो जाते हैं तो हमेशा नंबर्स को इस तरह से पढ़ने में दिक्कत आती है टेन टू द पावर ट्वेल्व टेन टू द पावर ट्वेंटी वगैरह वगैरह और यहीं पे हम इंट्रोड्यूस करते हैं प्रीफिक्सेस इस प्रीफिक्सेस की लिस्ट को अगर आप देखो तो इसमें से कुछ ऐसे प्रीफिक्सेस हैं जिससे हम ऑलरेडी एक्वेंटेड हैं हम उन्हें यूज करते हैं जैसे कि मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलो तो ये तो भैया हमारे जान पहचान वाले हैं है ना इसके अलावा हम कुछ नए देखते हैं जैसे अगर टेन टू द पावर सिक्स हो तो क्या हो जाएगा मेगा टेन टू द पावर नाइन हो तो हो जाएगा गीगा टेन टू द पावर ट्वेल्व हो तो टेरा टेन टू द पावर फिफ्टीन हो तो पेटा एंड आई थिंक इतना तक पता होना काफी है उसी तरह अगर हम स्मॉलर यूनिट्स पे जाएं तो टेन टू द पावर माइनस सिक्स माइक्रो माइनस नाइन नैनो माइनस ट्वेल्व पीको माइनस फिफ्टीन फेमटो तो अब जैसे मान लो अगर हम लेंथ मेजर कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा पीको फेमटोमीटर नैनोमीटर मिलीमीटर सेंटीमीटर तो अभी तक हमने देखा कि हमने सिर्फ सात बेस यूनिट्स डिफाइन किए हैं है ना अब आप पूछोगे कि बट ऐसे कैसे चलेगा हमारे पास इतने सारे जो और क्वांटिटीज हैं उनके यूनिट्स का क्या तो उनके यूनिट्स को हम बेसिकली इन सात बेस यूनिट से डिराइव करते हैं और इसीलिए उन्हें हम कहते हैं डिराइव्ड यूनिट्स अगला सवाल आ सकता है कि ये सब कौन डिसाइड करता है कि बेस यूनिट्स कौन से होंगे डिराइव्ड यूनिट्स कौन से होंगे तो हर कंट्री में एक नेशनल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट होता है विच डील्स विथ मेजरमेंट रिलेटेड थिंग्स कि भाई ये मेजरमेंट के जो स्टैंडर्ड्स हैं ना नेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से मेजरमेंट की चीज़ों को हैंडल करने के लिए नेशनल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट होता है इंडिया में भी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है विच इज़ नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी दैट इज़ एन पी एल इन डेली ठीक है तो चलो अब हम आगे देखते हैं कि किस तरह से हम डिराइव यूनिट्स निकालते हैं तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं एक सिंपल सा वॉल्यूम का ठीक है वॉल्यूम एक क्वांटिटी है जिसका ऐसा है यूनिट मुझे नहीं पता कैसे सोचेंगे ऐसे सोचो वॉल्यूम होता क्या है हम कैसे निकालते हैं मैथमेटिकली वॉल्यूम अगर मान लो मैं आपको एक क्यूब दे देती हूँ और बोलती हूँ उसका वॉल्यूम निकालो तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा साइड क्यूब राइट विच इज़ एक्चुअली लेंथ का क्यूब लेंथ का यूनिट हमें पता है लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है मीटर तो वॉल्यूम का क्या हो जाएगा मीटर क्यूब हो गया ना डिराइव मतलब एक बेस यूनिट से हमने इसके यूनिट को वॉल्यूम के यूनिट को डिराइव कर लिया ठीक है अब आप मिला के देख लो चाहे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो वॉल्यूम ऑफ कोन हो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो हर जगह आप देखोगे कि वॉल्यूम इज एक्चुअली लेंथ का क्यूब ठीक है दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं लेट्स टॉक अबाउट से डेंसिटी डेंसिटी होता क्या है मास पर यूनिट वॉल्यूम ठीक है मास का ऐसा SI यूनिट क्या होता है किलोग्राम के और वॉल्यूम का क्या होता है अभी अभी निकाला हमने मीटर क्यूब तो डेंसिटी का ऐसा SI यूनिट क्या हो जाएगा के पर मीटर क्यूब तो इस तरीके से हम यूनिट्स डिराइव करेंगे जहां हम मेजरमेंट की बात करने लगते हैं वहीं पे साथ साथ आ जाता है अनसर्टेनिटी क्योंकि कोई भी मेजरमेंट जो हम करते हैं हम बिल्कुल श्योर नहीं हो सकते कि यार दिस इज़ द परफेक्ट मेजरमेंट है ना कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ एरर्स कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी रहती ही है बट हम सभी चाहते हैं कि भाई हमारा मेजरमेंट जो है बिल्कुल परफेक्ट हो और इस परफेक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए हम दो टर्म्स यूज़ करते हैं प्रिसीशन और एक्यूरेसी बहुत से बच्चों को ये समझ नहीं आता है कि दोनों में फ़र्क क्या है एक्यूरेट रिजल्ट प्रिसाइज रिजल्ट फ़र्क क्या है जब हम प्रिसीशन की बात करते हैं तो बेसिकली हम ये कहना चाहते हैं आपने ये देखा होगा राइट कि जब आप लैब में अपने स्कूल के लैब में भी कोई एक्सपेरिमेंट करते हो तो आप मल्टीपल ऑब्जर्वेशंस लेते हो राइट मतलब ऐसा नहीं कि मान लो किसी चीज़ की आपको हाइट निकालनी है ऐसा नहीं है कि भाई एक बार मेजर किया हाइट और सीधा आंसर लिख दिया ऐसा नहीं हम क्या करते वो मेजरमेंट को वो जो रीडिंग है ना उसको हम चार बार पांच बार कई बार दस बार लेते हैं और उसके बाद उसका मीन निकाल लेते हैं एवरेज निकाल लेते हैं राइट right? ऐसा हम क्यों करते हैं क्योंकि चूंकि हम ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो बहुत तरह की एरर्स आ सकती हैं जब हम इनको बार बार लेंगे और फिर उसका एवरेज आउट करेंगे तो मेरा जो रिजल्ट है ना वो ज़्यादा सही आएगा है ना तो अब समझो अब जब हम प्रिसीशन की बात करते हैं हम ये कहते हैं कि ये जो मैंने मल्टीपल रीडिंग्स ली है ना ये रीडिंग्स एक दूसरे के कितने क्लोज हैं मान लो मेरी पहली रीडिंग आई है एक ऐसे रफ एग्जाम्पल दे रही हूँ मान लो पहला रीडिंग है 1.1 सेंटीमीटर दूसरा रीडिंग है 1.3 सेंटीमीटर तीसरा रीडिंग है 1.25 सेंटीमीटर इसका मतलब है जितनी मेरी रीडिंग्स आ रही है ना वो सारे जो हैं वो क्लोज है तो मतलब मेरा जो रिजल्ट आ रहा है दैट इज़ प्रिसाइज बट वहीं अगर पहला रीडिंग आया वन दूसरा आया फाइव तीसरा आया सेवन तो इसका मतलब है कुछ तो गड़बड़ है क्योंकि जो मेरे ऑब्जर्वेशन आ रहे हैं जो रीडिंग्स आ रही हैं दे आर नॉट प्रिसाइज तो प्रिसीशन का मतलब होता है कि जो रीडिंग्स है मेरी वो आपस में वो वैल्यूज कितने क्लोज है दूसरी तरफ जब हम एक्यूरेसी की बात करते हैं उसका मतलब होता है कि जो मेरा ट्रू वैल्यू है मतलब जो मेरा रिजल्ट आना चाहिए और जो मेरा रिजल्ट आ रहा है वो दोनों कितने क्लोज हैं एग्जाम्पल मान लो जैसे हमें पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के आसपास आनी चाहिए ठीक है अब अगर आपका वैल्यू नाइन आ रहा है या आपका वैल्यू एट आ रहा है या आपका वैल्यू फाइव आ रहा है वो बताएगा कि जो वैल्यू आपका आ रहा है वो कितना एक्यूरेट है वो ट्रू वैल्यू के कितना पास है सबको समझ आ गया प्रन और एक्यूरेसी का फर्क अभी हम लेंगे एक छोटा सा एग्जाम्पल विथ नंबर्स जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि प्रिसीशन और एक्यूरेसी में क्या फर्क होता है एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर मान लो क्लास में चार बच्चे हैं रमेश सुरेश रोहित और राकेश ठीक है और इन चारों बच्चों ने कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है स्कूल के साइंस लैब में और उस एक्सपेरिमेंट का जो आउटपुट आना चाहिए जो डिजायर्ड वैल्यू है दैट इज थ्री कुछ भी एक्सपेरिमेंट किया मान लो किसी चीज की हाइट निकाली है या कुछ भी किया है जिसमें थ्री आना चाहिए आउटपुट तो बच्चों ने क्या किया कि दो सेट ऑफ मेजरमेंट्स लिए यानी कि दो राउंड ऑफ मेजरमेंट्स लिए राउंड वन और राउंड टू उसके बाद सबके जो भी मेजरमेंट्स आए उसका एवरेज यानी कि मीन निकाल लिया ठीक है अब हमें बताना है कि किन किन बच्चों के जो रिजल्ट्स है दे आर प्रिसाइज और किन किन बच्चों के रिजल्ट एक्यूरेट हैं ठीक है तो सबसे पहले बात करते हैं प्रिसीशन की प्रिसीशन मतलब जो मल्टीपल राउंड्स में जो वैल्यूज हमारी आई हैं वो एक दूसरे के कितने पास हैं तो यहां हम देखते हैं कि अगर रमेश की बात करें तो पहले राउंड में 2.80 दूसरे राउंड पे 3 दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा पास नहीं है राइट तो इसीलिए ये प्रिसाइज नहीं है अगर बात करें सुरेश की 2.91 और 2.90 ये काफी पास है जीरो पॉइंट जीरो वन का डिफरेंस है राइट तो इसीलिए ये प्रिसाइज है थ्री पॉइंट जीरो वन टू पॉइंट नाइन नाइन ये भी काफी पास है ऐसे देखने में टू पॉइंट और थ्री पॉइंट लग रहा है बट टू पॉइंट नाइन नाइन के बाद क्या आएगा थ्री पॉइंट जीरो जीरो फिर आएगा थ्री पॉइंट जीरो वन राइट तो पॉइंट जीरो टू का ही फर्क है तो ये भी प्रिसाइज है राकेश के जो मेजरमेंट्स है वो है टू पॉइंट नाइन जीरो थ्री पॉइंट वन जीरो तो बहुत फर्क है दोनों में लगभग पॉइंट टू का फर्क है राइट तो इसीलिए ये प्रिसाइज नहीं है अब अगर बात करें एक्यूरेसी की एक्यूरेसी मतलब जो डिजायर्ड वैल्यू है यानी कि थ्री के नजदीक किनका किनका आंसर है राइट टू पॉइंट नाइन थ्री के नजदीक है नाइन टू पॉइंट नाइन जीरो फाइव नाइन बहुत ज्यादा नजदीक नहीं है मतलब और लेकिन जो बाकी दोनों वैल्यूज है वो एग्जैक्ट थ्री है तो ये तो बहुत ज्यादा नजदीक है इनफैक्ट ये थ्री ही है तो ये दोनों वैल्यूज एक्यूरेट है तो इस एग्जाम्पल से आपको क्लियरली पता चल गया होगा कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन में क्या फर्क होता है अब सवाल ये उठता है कि यार इस अनसर्टेटी के साथ डील कैसे करें क्योंकि जब हम इतने बड़े बड़े नंबर्स होते हैं हमारे पास जिनके पीछे इतने जीरोस लगे होते हैं कभी इतने छोटे नंबर्स होते हैं जिसमें इतने जीरोस होते हैं और जब हम ऐसे नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह करते हैं एक तो ये कैलकुलेशंस बहुत ही टीडियस हो जाता है दूसरा जो रिजल्ट हमारा निकलता है वो बहुत अनसर्टन हो जाता है राइट right? तो कैसे सॉल्व करें इस प्रॉब्लम को इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं हम यूज करते हैं साइंटिफिक नोटेशन हम नंबर्स को जो है लिखते हैं साइंटिफिक नोटेशन में ये साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है किसी भी नंबर को हम इस फॉर्मेट में लिखते हैं एन इन टू टेन टू द पावर एन ध्यान देना है कि दोनों एन अलग है एक कैपिटल एन है एक स्मॉल एन है जो कैपिटल एन है ये वन से लेकर के टेन तक की कोई भी वैल्यू ले सकता है जो स्मॉल एन है वो कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यूज ले सकता है ठीक है तो हम देखेंगे कि जैसे ही हम नंबर्स को इस फॉर्मेट में लिखने लगेंगे हमारे कैलकुलेशन ईजी हो जाएंगे और जो हम रिजल्ट में भी अराइव करेंगे वो भी ज़्यादा सर्टेन हो जाएंगे ठीक है चलो सबसे पहले हम तो देखते हैं कि ये जो बड़े बड़े नंबर्स मैंने स्क्रीन पे लिख रखे हैं इनको हम साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे तो अगर हमें इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना हो साइंटिफिक नोटेशन क्या है n इन टू टेन टू द पावर n, जहां पर n की वैल्यू वन टू टेन के बीच में होनी चाहिए ठीक है तो इस नंबर को सबसे पहले तो देखो क्या करना है कि यहां पर अभी फिलहाल जो मेरा नंबर है इसमें डेसिमल पॉइंट कहाँ है यहाँ लास्ट में है कुछ इस तरीके से है राइट right? तो इस डेसिमल पॉइंट को मुझे इधर मूव कराते जाना है कहाँ तक जब तक मेरा जो पहला नंबर है ना वो वन टू टेन के बीच का नंबर ना हो तो इसीलिए बेसिकली मुझे डेसिमल पॉइंट यहाँ डालना है तो मुझे क्या लिखना है इसे सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन टू द पावर अब देखो एक छोटी सी चीज़ यहाँ पर याद रखना ये आपने बचपन में ही पढ़ा होगा ये जो डेसीमल पॉइंट है ना जब ये लेफ्ट की तरफ मूव होती है तो मेरा टेन टू द पावर जो है ये पावर इंक्रीज होता है और जब ये डेसिमल पॉइंट राइट की तरफ मूव होती है तो मेरा पावर जो है वो डिक्रीज़ होता है अब देखो इसी को लगाएंगे हम यहाँ पर तो इस केस में जो मेरा डेसिमल पॉइंट है वो किधर मूव हो रही है लेफ्ट की तरफ यानी कि पावर मेरा बढ़ेगा तो फिलहाल मेरा पावर क्या था ज़ीरो था तो जीरो से अब पावर बढ़ेगा अब देखो जितना जग जितने प्लेसेस ये मूव हो रहा है मतलब ये यहाँ था वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्थ थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन ऐसे करते करते कितने प्लेसेस मूव हो रहा है ये ट्वेंटी थ्री प्लेसेस तो ये हो जाएगा सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन टू द पावर ट्वेंटी थ्री तो इस तरीके से हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं अब आप अगर पूछोगे कि ये डेसिमल पॉइंट ऐसा मूव होने से पावर क्यों बढ़ता है तो काफी लॉजिकल है अब यहां पर सिक्स पॉइंट जीरो टू टू है इसको तो आप कैसे लिखोगे सिक्स तो जीरो हो जाएगा टेन टू द पावर ट्वेंटी तो वही है यहां पर सिक्स जीरो टू टू इंटू टेन टू दावर ट्वेंटी यानी कि उसके सिक्स जीरो टू टू के बाद यहां ट्वेंटी हैं इट right. अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं ये एक बहुत छोटा नंबर है तो यहां पर मेरा डेसिमल पॉइंट फिलहाल कहां पे है यहां पे तो इस डेसिमल पॉइंट को मुझे इस तरफ मूव कराना है कहां तक लेके जाना है यहां तक लेके जाना है ताकि ये 1.66 हो जाए क्योंकि अगर डेसिमल पॉइंट यहाँ आ जाएगा तो ये हो जाएगा 16.6 बट मुझे n की वैल्यू रखनी है 1 टू 10 के बीच में तो इसीलिए मैं इसे यहीं तक मूव करूँगी ताकि ये बन जाए 1.66 पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू द पावर अब यहाँ पे डेसिमल जो है राइट की तरफ मूव हो रही है तो पावर मेरा घटेगा जीरो से घटेगा तो क्या होगा पावर मेरा नेगेटिव में होगा राइट अब यहाँ भी काउंट करो वन टू थ्री फोर करके कितने प्लेसेस मूव कर रहा है तो ट्वेंटी तो ये हो जाएगा वन पॉइंट टू द पावर

ठीक है जैसे एक ऐसे ही एक रफ सा एग्जाम्पल दे रही हूँ मान लो मैंने बताया कि कोई मेरे पास एक रॉड है जिसकी लेंथ है ट्वेल्व पॉइंट सिक्स सेवन थ्री नाइन सेंटीमीटर्स ठीक है ऐसे एक एग्जाम्पल एक तो अब जहाँ मैंने बताया कि ट्वेल्व पॉइंट समथिंग समथिंग तो अब ये ट्वेल्व तो फॉर श्योर sure है कि भाई ट्वेल्व सेंटीमीटर के आसपास कुछ तो है तो ट्वेल्व इज़ फॉर श्योर पॉइंट सिक्स सेवन थ्री नाइन जो भी मैंने बताया उसमें भी पॉइंट सिक्स सेवन थ्री तक भी वी आर वेरी श्योर अब वो लास्ट का जो नाइन है ना वो मुझे पता नहीं एक्जैक्टली नाइन ही था कि एट था कि सेवन था राइट right? तो बेसिकली मैं कहना यह चाह रही हूं कि कोई भी एक नंबर को देख करके अगर हमें यह पता लग सके कि इसमें कितने डिजिट्स मीनिंगफुल हैं विथ सर्टेनिटी तो बेस्ट है उससे क्या होगा हम अपनी अनसर्टेनिटी के लेवल को और कम कर सकते हैं राइट right? तो चलो देखते हैं कौन से रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे वेन वी डील विथ सिग्निफिकेंट फिगर्स पहला रूल कहता है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट एग्जाम्पल लेते हैं लेट्स से जीरो पॉइंट थ्री टू सिक्स सेवन इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं एक दो तीन चार जितने नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सारे सिग्निफिकेंट है तो इसमें है फोर सिग्निफिकेंट फिगर्स दूसरा रूल कहता है जीरोस प्रिसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट यानी कि जो पहला सिग्निफिकेंट यानी कि जो पहला नॉन जीरो डिजिट है उससे पहले जितने भी जीरोज होंगे वो नॉट सिग्निफिकेंट होंगे एग्जाम्पल लेते हैं जैसे जीरो पॉइंट जीरो जीरो टू इसमें सबसे पहला नॉन जीरो डिजिट क्या है टू टू से पहले जितने भी जीरोज हैं ये सभी नॉट सिग्निफिकेंट है तो यानी कि इस पूरे नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं सिर्फ एक अगर एक और एग्जाम्पल जीरो पॉइंट जीरो जीरो टू सिक्स इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं सिर्फ दो क्योंकि इनके पहले जितने भी जीरोज हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं है तो यहां पर टू सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं तीसरा रूल बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट ठीक है तो मान लो अगर कुछ ऐसा नंबर है टू पॉइंट जीरो 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 सिक्स तो यहां पर ये जो जीरोज हैं ये सिग्निफिकेंट होंगे क्यों क्योंकि ये दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में है तो इस पूरे नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे फाइव फोर्थ रूल कहता है कि जीरोज एट द एंड और राइट ऑफ अ नंबर आर सिग्निफिकेंट प्रोवाइडेड दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट ठीक है तो ये कहता है कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट में जीरो है तो वो तभी सिग्निफिकेंट होंगे अगर वो जीरोज जो है वो डेसिमल पॉइंट के राइट right साइड पर है ठीक है ना अगर वो डेसिमल पॉइंट के राइट right साइड पर है तो एग्जाम्पल लेते हैं मान लो टू सिक्स जीरो पॉइंट फाइव जीरो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं टू सिक्स फाइव तो ये तीन तो पक्का ही है क्योंकि ये नॉन जीरो डिजिट्स हैं ये वाला जीरो भी सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आता है लास्ट वाला जीरो भी सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये लास्ट में आता है तो क्या हुआ ये डेसिमल पॉइंट के तो राइट right में आता है तो यानी कि इसमें फाइव सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं ठीक है अगर 2.600 की बात करें इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसमें फ़ोर सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं क्योंकि ये भी जो जीरोज हैं ये डेसिमल पॉइंट के राइट right में आता है 0.600 की अगर बात करें इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसमें थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं क्योंकि ये वाला जो जीरो है ये सिग्निफिकेंट नहीं है ये क्योंकि डेसिमल से पहले आ रहा है मतलब फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के पहले आ रहा है तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है है ना तो अब अगर हम लास्ट वाला रूल देखें जो कहता है कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स। एग्जैक्ट नंबर्स मतलब जैसे 260 इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? बहुत से बच्चे कहेंगे तीन टू सिक्स और जीरो बहुत से बच्चे कहेंगे दो टू और सिक्स राइट बट यहां पर मेरा डेसिमल पॉइंट कहां पे है यहां पे है करेक्ट और इस डेसिमल पॉइंट के बाद मैं जीरो डाल सकती हूँ अपने मन से और अपने मन से मैं कितने भी जीरो डाल सकती हूँ क्योंकि 260 और 260.00 .00, 260 260.0000 पॉइंट ये सब कुछ का सेम ही मतलब है और हमने क्या पढ़ा है कि जो भी जीरो नंबर के लास्ट में रहता है लेकिन डेसिमल पॉइंट के राइट right में रहता है वो सब सिग्निफिकेंट होता है तो यहां पर उस हिसाब से कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं भाई तो इसीलिए जितने भी एग्जैक्ट नंबर्स होते हैं दे हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स अब सिग्निफिकेंट फिगर्स को दिमाग में रखते हुए ऑपरेशन के रूल्स देखते हैं यानी कि एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिविजन के रूल्स देखेंगे सबसे पहले बात करेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन की ठीक है ये रूल कहता है कि द रिजल्ट नॉट हैव मोर डिजिट्स टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट देन ईदर ऑफ द ओरिजिनल नंबर्स ठीक है तो मान लो हमारे पास दो नंबर्स हैं 0.326 और 1.2 और हमें इन दोनों को ऐड करना है ठीक है तो जो पहला नंबर है इसमें कितने डिजिट्स हैं टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट थ्री डिजिट्स इसमें थ्री डिजिट्स हैं आफ्टर डेसिमल पॉइंट 1.2 जो कि हमारा दूसरा नंबर है इसमें कितने डिजिट है आफ्टर डेसिमल पॉइंट सिर्फ एक ठीक है दोनों को अगर ऐड करें तो कितना आएगा वन पॉइंट फाइव टू सिक्स बट मेरा आंसर क्या होगा आंसर तो इस रूल के हिसाब से होगा रूल कहता है कि रिजल्ट कैन नॉट हैव मोर डिजिट्स टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट देन ईदर ऑफ द ओरिजिनल नंबर तो दोनों ओरिजिनल नंबर में से एक के में डेसिमल के बाद एक डिजिट है दूसरे में डेसिमल के बाद तीन डिजिट है तो बेसिकली आंसर में जो है डेसिमल के बाद एक डिजिट ही हो सकता है उससे ज्यादा नहीं हो सकता है. ठीक है तो मेरा आंसर हो जाएगा वन पॉइंट फाइव ठीक है अब देखते हैं कि मल्टीप्लीकेशन और डिविजन के टाइम पे कैसा रूल होता है तो ये रूल कहता है कि इन दीज ऑपरेशन द रिजल्ट मस्ट बी रिपोर्टेड विथ नो मोर सिग्निफिकेंट फिगर्स एज आर देयर इन द मेजरमेंट विथ फ्यू सिग्निफिकेंट फिगर्स मतलब अगर मान लो हम 0.326 को मल्टीप्लाई करते हैं 1.2 से ठीक है तो जीरो पॉइंट थ्री टू सिक्स में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वन पॉइंट टू में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं टू सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं ठीक है, है. दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर आया जीरो पॉइंट थ्री नाइन वन टू ठीक है बट जो मेरा फाइनल आंसर होगा वो कितना होगा फाइनल आंसर में इन दोनों में से जो मेरे दो नंबर्स मैंने मल्टीप्लाई किए थे उसमें से जिस नंबर में लेस सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं मेरे फाइनल आंसर में भी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए तो इसमें लेस किसमें है इसमें है 1.2 में तो यानी कि मेरे फाइनल आंसर में भी दो सिग्निफिकेंट फिगर ही होने चाहिए तो मेरा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा जीरो कई बार हमारे सामने एक ऐसी सिचुएशन भी होती है जिसमें हमें एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कन्वर्ट करना पड़ता है एग्जाम्पल लेते हैं जैसे मान लो अगर मैं बात करूं आ, मास की तो मैंने बताया कि ऐसा यूनिट क्या है किलोग्राम है अब किलोग्राम को ग्राम में मिलीग्राम में इन सब में कन्वर्ट करना काफ़ी आसान है क्योंकि ये एक ही सिस्टम के यूनिट्स हैं राइट आप टेन 10 से हंड्रेड से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे और वो एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाएंगे लेकिन अगर मैं एक दूसरे यूनिट की बात करूँ जैसे कि पाउंड पाउंड भी मास का ही यूनिट है जैसे आपने सुना होगा कि जैसे केक वगैरह खरीदने जाओ तो वहां पे कई बार लोग पाउंड भी यूज करते हैं कि हाफ पाउंड का केक दो पाउंड का केक राइट right? वहां पे यूज होता है ये पाउंड अब है तो दोनों ही मास के यूनिट्स बट दोनों डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं बट इन्हें भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस ठीक है सिर्फ मास ही नहीं जैसे अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो हमारा ऐसा ही यूनिट क्या है किलोमीटर बट माइल्स जो है वो भी एक डिस्टेंस का यूनिट है और हमें हम इन्हें भी आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं तो डायमेंशनल एनालिसिस का जो ये मेथड है इसे यूनिट फैक्टर मेथड भी कहा जाता है तो हम देखेंगे कि इस मेथड में जो है ना हम यूनिट्स को एग्जैक्टली exactly नंबर्स की तरह ट्रीट करते हैं मतलब हम यूनिट्स को भी मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह कर सकते हैं तो चलो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं अब अगर आपको थ्री इंच को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो क्या करेंगे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई वन इंच कितना सेंटीमीटर होता है इसीलिए इसे हम कहते हैं यूनिट फैक्टर मेथड एक यूनिट वाला जो रिलेशन है ना वो उसको हम यूज में लेते हैं तो वन इंच इज इक्वल टू होता है टू तो पॉइंट फाइव फोर सेंटीमीटर तो थ्री इंचेस कितना हो जाएगा ये हो जाएगा टू तो पॉइंट फाइव फोर सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई वन इंच मल्टीप्लाइड बाई थ्री इंचस और मैंने क्या बताया था कि हम जो है ना डायमेंशनल एनालिसिस में जो हमारे यूनिट्स हैं इनके भी ऑपरेशंस वैसे ही करते हैं इन्हें भी मल्टीप्लाई डिवाइड उसी तरीके से करते हैं राइट तो ये मेरा क्या हो जाएगा ये एक तरीके से आप समझ लो ये इंच इंच कैंसिल आउट हो गया तो टू पॉइंट फाइव फोर इंटू थ्री क्या हो जाएगा सेवन पॉइंट सिक्स टू सेंटीमीटर एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि टू डेज को आपको सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है अब हमें क्या पता है कि वन डे इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर आवर्स हमें ये भी पता है कि वन आवर इज इक्वल टू सिक्सटी मिनट्स और वन मिनट इज इक्वल टू सिक्सटी सेकेंड्स दैट मीन्स वन आवर इज इक्वल टू सिक्सटी इंटू सिक्सटी सेकेंड्स ठीक है ना तो ट्वेंटी फोर आवर्स कितना हो जाएगा ये हो जाएगा सिक्सटी इंटू सिक्सटी सेकेंड्स डिवाइडेड बाई वन आवर इंटू ट्वेंटी फोर आवर्स तो ये क्या हो जाएगा सिक्सटी इंटू सिक्सटी इंटू ट्वेंटी फोर सेकेंड्स ये क्या हो जाएगा ट्वेंटी फोर आवर्स इज इक्वल टू इतना सेकेंड्स ट्वेंटी फोर आवर्स क्या होता है वन डे तो यानी कि वन डे इज इक्वल टू इतना तो फिर टू डेज कितना हो जाएगा टू डेज हो जाएगा सिक्सटी इंटू सिक्सटी इंटू ट्वेंटी फोर सेकेंड्स डिवाइडेड बाई वन डे इंटू टू डेज तो ये क्या हो जाएगा सिक्सटी इंटू सिक्स इंटू ट्वेंटी फोर इंटू टू सेकेंड्स तो दो दिन का मतलब इतना सेकेंड हो जाएगा तो बच्चा पार्टी कैसा चल रहा है अभी तक सब कुछ समझ आ रहा है चलो बढ़िया है तो अब हम शुरू करने वाले हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हम ये देख रहे हैं कि केमिस्ट्री में हो क्या रहा है ये जो एटम्स हैं मॉलिक्यूल्स हैं ये एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं रिएक्शंस हो रहे हैं राइट बट कुछ ऐसे लॉज हैं जो फॉलो होने चाहिए जब भी किसी भी तरह का कॉम्बिनेशन हो रहा है ठीक है तो हम इसी तरह के पांच लॉज के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर क्या होने वाला है तो ये लॉ कहता है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ठीक है यानी कि कोई भी रिएक्शन अगर हो रहा है होने दो बढ़िया है लेकिन रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद जो टोटल मास है दैट हैज टू बी द सेम इनफैक्ट अराउंड 1789 के आसपास लेवोशियर ने ये लॉ दिया था तो उन्होंने एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए थे और हर एक्सपेरिमेंट में वो नोट करते रहते थे कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के साथ क्या हो रहा है उनके मासिस के साथ एंड विद दैट ऑब्जर्वेशन ही कंक्लूडेड दैट द टोटल मास शुड रिमेन कांस्टेंट बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन दूसरा लॉ है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन जिसे लॉ ऑफ डेफिनेट कॉम्पोजिशन भी कहा जाता है ये लॉ कहता है कि अ कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट मतलब कि किसी कंपाउंड के अंदर जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वही एलिमेंट्स उसमें हमेशा उसी प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होंगे भले ही हम उसे कहीं से भी उठा लाएं जैसे मान लो अगर हम वाटर की बात करते हैं वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जिस प्रोपोर्शन में वाटर के अंदर है चाहे हम वाटर कहीं से भी उठा लाएं हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उसी फिक्स्ड रेशियो में ही प्रेजेंट रहेगा तो ये लॉ दिया था एक केमिस्ट ने जिनका नाम था जोसेफ प्राउस्ट तो उन्होंने क्या किया था उन्होंने क्यूप्रिक कार्बोनेट यानी कि सी यू सी ओ थ्री का दो सैंपल लिया पहला सैंपल जो नेचुरल ओरिजिन का था वो खुद से बना था दूसरा सैंपल जो सिंथेटिक ओरिजिन का था उसे बनाया गया था उन्होंने क्या देखा दोनों ही सैंपल में परसेंटेज ऑफ कॉपर परसेंटेज ऑफ कार्बन और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बिल्कुल सेम था राइट right? तो इसीलिए इसे कई बार कहा जाता है लॉ ऑफ डेफिनेट कॉम्पोजिशन तीसरा लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ठीक है देखो नाम पे फोकस करना मल्टीपल प्रोपोर्शन देखो क्यों नाम है ऐसा ऐसा तो ये ये लॉ लॉ दिया था डाल्टन ने और ये ऐसा कहता है कि अगर कोई दो एलिमेंट ऐसा है जो कंबाइन होकर एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों कंबाइन के वाटर भी बनाते हैं ये दोनों कंबाइन के हाइड्रोजन पर भी बनाते हैं राइट right? ऐसे केस में हम क्या देखते हैं कि अगर वन एलिमेंट कंबाइंस विद अ फिक्स्ड मास ऑफ द अदर एलिमेंट जैसे कि इस केस में हो रहा है अगर हम ऑक्सीजन को देखें तो पहले केस में 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज कंबाइनिंग विथ टू ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन दूसरे केस में 32 टू ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन इज कंबाइनिंग अगेन विथ टू ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन मतलब हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के अलग अलग मासेस हाइड्रोजन के एक फिक्स्ड मास के साथ कंबाइन हो रहे हैं ऐसे केस में ऑक्सीजन के जो मासेस हैं दे विल ऑलवेज बी इन द फॉर्म ऑफ अ रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स तो ऑक्सीजन के मासेस क्या क्या है 16 और थर्टी टू सिक्सटीन इज टू थर्टी टू इज इक्वल टू वन इज टू टू तो ये एक रेशियो है ऑफ स्मॉल होल नंबर्स समझ आया एग्जाम्पल के साथ कभी भी अगर ऐसा हो कि दो सेम एलिमेंट मिलके दो अलग अलग कंपाउंड बना रहे हैं तो अगर एक एलिमेंट जो है उसके अलग अलग मासेस दूसरे एलिमेंट के के फिक्स्ड मास साथ कंबाइन हो रहे हैं तो इस एलिमेंट के मासेस का जो रेशियो है दैट इज अ रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स तो देखा मल्टीपल प्रोपोर्शन क्यों कहते हैं इसे एक तो यहां पर दो एलिमेंट मिलकर मल्टीपल कंपाउंड बना रहे हैं है ना तो इसीलिए और प्रोपोर्शन क्यों क्योंकि यहाँ पर भी एक रेशियो मेंटेन हो रहा है तो इसीलिए नाम दिया गया है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हमारा चौथा लॉ है गे लुसेक्स लॉ ऑफ वॉल्यूम्स तो ये कहता है ऑब्वियस जाहिर सी बात है कि नाम से पता चल रहा है कि इसे इस लॉ को दिया था गे लुसेक ने और ये लॉ जो है गैसेस के बारे में बात करता है ये कहता है कि अगर दो गैसेस कंबाइन होते हैं एक केमिकल रिएक्शन में तो उस केस में हम मासेस की बात नहीं करते हम वॉल्यूम की बात करते हैं गैसेस के केस में ठीक है तो हम कहते हैं कि जब दो गैस कंबाइन होते हैं तो उनके जो वॉल्यूम्स कंबाइन होते हैं दे आर इन अ सिंपल रेशियो ठीक है एग्जाम्पल लेते हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर बना रहा है वाटर तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है गैस है मान लो 100 एम हाइड्रोजन कंबाइन हो रहा है 50 एम ऑक्सीजन के साथ तो ये 100 एम एल इज टू फिफ्टी एम एल इज इक्वल टू टू इज टू वन विच इज सिंपल रेशियो Right? तो अगर आप इस पर ध्यान से देखो इस लॉ को तो आप देखोगे कि ये लॉ जो है ना बिल्कुल वैसा ही है जैसा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन था फर्क सिर्फ इतना है कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में हम ये कह रहे थे कि वहां पर जो रेशियो था दैट वॉज ऑन मासेस और यहां पर हम बात कर रहे हैं वॉल्यूम्स की उतना ही फर्क है तो इसीलिए कई बार इस लॉ को लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाई वॉल्यूम भी कहा जाता है फाइनली हमारा पांचवा लॉ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज एवो लॉ एवोबेड्रोज लॉ यह कहता है कि अगर हमारे पास इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस हो मतलब अगर दो डिफरेंट गैसेस हैं लेट्स से एक हाइड्रोजन है दूसरा ऑक्सीजन है लेकिन दोनों का वॉल्यूम इक्वल है एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर तो इन दोनों में इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे इनफैक्ट एवोगैड्रो पहले साइंटिस्ट थे जो नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में बात कर रहे थे उन दिनों जो है तब के जो और बाकी रिनाउंड साइंटिस्ट थे जैसे डाल्टन या अदर साइंटिस्ट थे उन्हें ऐसा लगता था कि सेम एटम दो सेम एटम कभी भी कंबाइन नहीं हो सकते थे उन्हें ऐसा लगता था हालांकि वो सही नहीं है उन्हें लगता था कि भाई दो ऑक्सीजन के एटम्स कभी कंबाइन नहीं हो सकते हैं एक ऑक्सीजन का एटम एक हाइड्रोजन के एटम के साथ या कार्बन के एटम के साथ कंबाइन हो सकता है बट ऑक्सीजन एटम ऑक्सीजन एटम के साथ कंबाइन नहीं हो सकता है लेकिन आज की डेट में हमें पता है कि जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है वो डाई होता है और वो कैसे बनता है दो ऑक्सीजन के कॉम्बाइन होने से राइट तो एवोगैड्रो ने पहली बार इस तरह का जो पॉली एटॉमिक का जो कॉन्सेप्ट था कि भाई एक से अधिक एटम्स कंबाइन होके बना सकते हैं चीजों को ये सबसे पहली बार एवोगैड्रो ने कहा था तो एवोगैड्रो का ये कहना था कि जैसे वाटर भी बन रहा है तो कैसे बन रहा है हम उसको उनका सोचने का ये तरीका था कि हम क्या कहते हैं एच टू ओ तो वो कह रहे थे कि वन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन प्लस वन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन प्लस वन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन अगर सब वन वन वॉल्यूम है तो ये क्या है इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर तो इन सब के अंदर इन सब डब्बों के अंदर इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे हालांकि अनफॉर्चुनेटली उन दिनों जब एवोगैड्रो ने यह लॉ दिया था तो किसी ने उनकी बात नहीं सुनी क्योंकि सबको लगा कि ये गलत है बट काफ़ी सालों के बाद जाकर यह प्रूव हुआ कि जो एवोगैड्रो कह रहे थे वो बिल्कुल सही था और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम देखेंगे कि किस तरह से एवोगैड्रो के काम को आगे बढ़ाया गया और किस तरह से हमारा ये पूरा का पूरा मोल कॉन्सेप्ट आया अब हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया कि भाई कैसे केमिस्ट्री में चीज़ें होती हैं मैटर क्या होता है प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं मेजरमेंट यूनिट्स अनसर्टेनिटी एरर्स वगैरह काफ़ी कुछ पढ़ लिया है अब कम कॉम्बिनेशन कैसे होते हैं उनके लॉज भी पढ़ लिए हैं तो आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम कि हम बात करें एटॉमिक थ्योरी के बारे में मतलब एटम का जो स्ट्रक्चर है एटम के बारे में जो थ्योरी निकाली गई थी वो क्या कहती है तो सबसे पहले बात करेंगे डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में जो सबसे पुरानी थ्योरी है तो सबसे पहली बात जो डाल्टन ने बताई थी वो ये थी कि मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजिबल एटम्स मतलब एटम्स को जो है हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं ऐसा डाल्टन ने कहा था जो कि आज की डेट पे गलत है हम अभी का जो एटॉमिक थ्योरी है उसको भी इसके तुरंत बाद डिस्कस करेंगे बट अभी हम ये देख रहे हैं कि डाल्टन ने उस टाइम पर क्या क्या थ्योरी दी थी दूसरी चीज डाल्टन ने यह बताई थी कि ऑल द एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग एटॉमिक मास एंड एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन मास मतलब अगर एक ही एलिमेंट के ऐटम्स हैं तो सारे ऐटम्स के सेम प्रॉपर्टीज होंगे सेम मास होगा अगर डिफरेंट एलिमेंट्स का एटम है तो उसका मास डिफरेंट होगा ये भी आज की डेट पे गलत प्रूफ हो गया है तीसरा जो जो बताया गया था 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 वो ये ये था कि कि तो डाल्टन का मानना सिर्फ अलग-अलग के ही कंबाइन हो सकते हैं दो एटम्स सेम एलिमेंट के कभी कंबाइन नहीं हो सकते हैं वो भी गलत प्रूव हो चुका है क्योंकि आज की डेट पे दो ऑक्सीजन एटम्स भी कंबाइन होकर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना सकते हैं राइट right. ये रहे सर डाल्टन की फोटो और अगला जो उन्होंने बताया था पॉस्टूलेट वो ये था कि केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स दीज आर नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन यानी कि जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें एक्चुअली होता क्या है कि एटम्स जो हैं वो रीऑर्गेनाइज हो जाते हैं ना ही नए एटम्स बनते हैं और ना ही पुराने एटम्स डिस्ट्रॉय होते हैं ठीक है तो ये तो थी डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी जो बहुत पहले दी गई थी ठीक है फिर धीरे धीरे और भी स्टडीज हुई और फाइनली हम आ पहुंचे मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी पे तो जो मॉडर्न आज के डेट पे जो एटॉमिक थ्योरी है वो क्या कहती है मैटर इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड टू बी इंडिविजिबल ऑब्वियसली नॉट इनफैक्ट मैं मैटर तो नहीं मैं कहूंगी कि एटम एटम को जो है हम इंडिविजिबल नहीं कहते हैं क्योंकि इसे हम फर्दर इसके कॉन्स्टिट्युएट पार्टिकल्स जो है क्या क्या है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन करेक्ट दूसरी बात एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट मे नॉट बी सिमिलर इन ऑल रिस्पेक्ट जरूरी नहीं है कि सेम एलिमेंट के सारे एटम्स का सब कुछ सिमिलर हो सबसे अच्छा एग्जाम्पल किसका है आइसोटोप्स का आइसोटोप्स की अगर हम बात करें सो दे आर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट बट दे हैव डिफरेंट एटॉमिक मास जैसे कि अगर हम बात करें सी ट्वेल्व सी थर्टीन C14 की इन सब का एटॉमिक नंबर सेम होता है क्योंकि ये सारे सेम एलिमेंट है कार्बन बट इनके जो एटॉमिक मास है ये अलग है है ना ठीक इसी तरीके से एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स में बी सिमिलर इन सम रेस्पेक्ट हो सकता है कि भाई दो अलग एलिमेंट का एटम है बट हो सकता है कि उनका एटॉमिक मास सेम हो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आइसोबार्स की पढ़ा होगा आपने आइसोबार्स क्या होते हैं ये जिनका एटॉमिक नंबर अलग होता है लेकिन उनका एटॉमिक मास सेम होता है तो यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल लें जैसे कार्बन फोर्टीन का और नाइट्रोजन फोर्टीन का तो हम देखते हैं कि ये कार्बन एलिमेंट है या नाइट्रोजन दो अलग एलिमेंट है लेकिन दोनों का जो एटॉमिक मास है वो बराबर है है ना तो ये भी हमने देखा कि ये भी हमारे डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी थी उससे ये अलग है अगला पॉइंट कहता है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट पार्टिसिपेटिंग इन केमिकल रिएक्शन वेल दिस इज ट्रू हालांकि अगर हम कॉम्पोजिशन की बात करें तो एटम्स जो है एटम्स जो है दे आर मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन वगैरह है लेकिन जब हम केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेशन की बात करते हैं तो वहां पर एटम ही स्मॉलेस्ट यूनिट है जो पार्टिसिपेट करता है रेशियो इन विच एटम्स यूनाइट मे बी फिक्सड इंटीजर वैल्यूज बट दे आर नॉट सिंपल ऑलवेज हमेशा सिंपल रेशियो में हो ऐसा जरूरी नहीं है एटम्स ऑफ वन एलिमेंट कैन बी चेंज इन टू एटम्स ऑफ अन अदर एलिमेंट ये जब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में या फिर आप लोगों ने न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा होगा न्यूक्लियर फिशन न्यूक्लियर फ्यूजन उसमें हम क्या देखते हैं कि हमारी रिएक्शन की शुरुआत होती है यूरेनियम से और हम पहुंच जाते हैं क्रिप्टन बैरियम वगैरह पे तो यानी कि हम एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के ऐटम भी चेंज कर सकते हैं मतलब ये पॉसिबल है और फाइनली मास ऑफ एटम कैन बी चेंज इन टू एनर्जी तो बेसिकली ये ये कहता है कि मास और एनर्जी ये जो है देआर इंटर कन्वर्टेबल इन्हें हम आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं और यहीं आ जाता है हमारा पॉपुलर E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेर जो जिसे हम कहते हैं मास एनर्जी इक्वी बैलेंस तो बच्चा पार्टी यही खत्म होता है हमारा ये वीडियो इस वीडियो के अंदर हमने काफी सारे बेसिक्स कवर कर लिए हैं हालांकि एक और वीडियो आएगा इसके कंटिन्यूएशन में और उस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट और स्टोक्योमेट्री के बारे में और मैं बता दूं कि भैया मोल कॉन्सेप्ट जो है ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है इसीलिए मैंने इसके साथ कंबाइन नहीं किया क्योंकि वो टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है बहुत समझने वाला टॉपिक है तो साथ ही बने रहिएगा मैं जल्दी ही लेकर आती हूँ मोल कॉन्सेप्ट का एक मज़ेदार और मस्त वीडियो जो सबको समझ आएगा सो स्टे होम स्टे सेफ टेक केयर बाय